नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर दुकान की दीवार फोड़कर अज्ञात चोरों ने की 1.5 लाख की चोरी। श्योपुर में चोरों ने मोटर पाइप दुकान की दीवार तोड़कर 1.5 लाख रुपए के मोटर केबल चुरा लिए। चोरी श्योपुर शहर की खातौली रोड स्थित मोटर पाइप की दुकान में रविवार की रात हुई। दुकानदार को घटना का पता सोमवार को सुबह उस समय लगा जब दुकान खोली गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने मुआयना कर मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित आशीष ने बताया कि मैं रविवार की देर रात दुकान बंद कर घर चला गया। रोज की भांति सुबह जब दुकान खोली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अज्ञात चोरों ने दीवार फोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सर, खातौली रोड पर स्थित एक मोटर राइडिंग की दुकान पर दीवार तोड़कर उसमें चोरी की गई है, क्या मामला? दिनांक 19/7/2024 खातौली और रोड के आगे और पेट्रोल पंप रिलायंस पेट्रोल के पंप के बीच में आशीष पुत्र महावीर डांगी की मोटर राइडिंग की दुकान है, जिसमें 19-20 की दरमियान ही रहा 18-19 की दरमियान ही रहा किसी अज्ञात चोर द्वारा दीवार तोड़कर उसमें रखे वायर काट कर चोरी कर ले गए, जिस पर फरियादी की रिपोर्ट पर पेट्रोल कायम कर विवेचना में लिया गया।